दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, हमारी सेना हमेशा हमारे देश के लिए तत्पर रहती है और चाहे हालात कैसे भी हो, वे उनकी पहली प्रायोरिटी हमारी सुरक्षा होती है। ऐसे में जब देश एक जवान को खो देता है तो सुनने में उससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बिना हमारे जवानों के हमारा डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है। चाहे हम हथियारों और मिसाइल पर कितना भी पैसा बहा दें, लेकिन वे हमारे जवानों की जगह नहीं ले सकते हैं। शायद इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में हुए इस हादसे में जब हमने हमारे जवानों को खो दिया तो हर भारतीय के मन में इसको घटना को लेकर फिर दुख और ग्रेटिट्यूड है। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो दरअसल कुछ ही दिनों पहले झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में देर रात प्रैक्टिस करते वक्त एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इन सब को अंदर से हिलाकर रख दिया। प्रैक्टिस करते वक्त ही किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से रेंज में ही एक T-90 टैंक फट गया, जिस वजह से हमारे दो जवान शहीद हो गए और ड्राइवर के साथ ही साथ तीन और जवान काफी क्रिटिकली इंजर्ड है। और इस घटना की इंसिडेंसी को आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि T-90 इस दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक टैंक्स में से एक है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से घटना के वक्त प्रदीप सिंह यादव टैंक को ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ ही साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेशन नायाब सूबेदार सुमेर सिंह बागेरिया और सुकांता मंडल के अंदर था। इन तीनों के अलावा दो और जवान थे जो बैरल में गोले भर रहे थे। इस घटना में सुमेर सिंह बागेरिया और सुकांता मंडल शहीद हो गए। हालांकि आर्मी की तरफ से इस घटना की वजह को टेक्निकल फेलियर बताया जा रहा है, लेकिन इस पर जांच अभी भी चल ही रही है कि एग्जैक्टली बैरल के फटने की वजह क्या थी। पर फिलहाल दोनों जवानों को खोने के दुख से हम सब दुखी हैं और उसके साथ ही साथ हम सबको यह आशा करनी चाहिए कि घटना में घायल आर्मी पर्सोनल का भी रिकवरी जितनी जल्दी हो सके तो अच्छा है। ये सारी बातें नेचर में काफी भारी होती है और हमने अपने इन जवानों को ऐसे हालातों में खोया है जहाँ हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आर्मी हमेशा से ही अपने वेपन सिस्टम की चुन्नी में बहुत ही हाई स्टैंडर्ड अप्लाई करती है। ऐसे में हम सिर्फ सरकार की तरफ से आए ऑफिशियल रिपोर्ट्स का ही इंतजार कर सकते हैं जहाँ हमें पता चले कि हमने इन जवानों को क्यों खो दिया। पर ऐसे में भी हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन उनके परिवार के लिए कितना दुखद होगा। ऐसे में हम और आप सिर्फ इस बात की आशा ही कर सकते हैं कि चीजें वापस ठीक हो जाए। इसी के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।